नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार विधानसभा में इस समय बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान बिहार के सभी विधानसभा से विधायक मौजूद हैं और बिहार विधानसभा बजट सत्र पर चर्चा भी कर रहे हैं। तभी विधानसभा के अंदर जमुई विधायक श्रेयसी सिंह खड़ी होती हैं और सवाल करती हैं, लेकिन सवाल करते करते वो भावुक हो जाती हैं। श्रेयसी सिंह वही महिला हैं जो साल 2018 में राष्ट्रपति के द्वारा बेहतर खेल के लिए अर्जुना अवार्ड से सम्मानित की गई थी। वो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि श्रेयसी सिंह तेजस्वी यादव की क्लासमेट और फ्रेंड है। जब वो पहली बार विधायक बन के बिहार विधानसभा में आई थी, तब तेजस्वी यादव के द्वारा उन्हें बधाई दिया गया था और कहा गया था कि ये हमारी क्लासमेट है, हमारी दोस्त है। लेकिन आज जब वो सदन में खड़ा होकर तेजस्वी यादव से सवाल करती हैं, तो वो सवाल करते करते भावुक हो जाती हैं। इस खबर को मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि सदन के अंदर ऐसा कौन सा सवाल उठता है कि श्रेयसी सिंह भावुक हो जाती हैं। श्रेयसी सिंह बीजेपी के तरफ से जमुई से विधायक हैं और अभी तेजस्वी यादव से वो सदन के अंदर बजट सत्र पर सवाल करती हैं। वो कहती है कि बिहार में अभी विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। वो सड़क निर्माण का भी बात करती हैं, सड़क चौड़ीकरण का भी बात करती हैं। वो ये भी कहती हैं कि इस समय अगर बिहार की जनता आपसे ये पूछे कि विकास क्या है, तो आप यही बताएंगे और विकास के तौर पर यही दिखाएंगे, सिर्फ नेशनल हाईवे। इसके अलावा आपके पास विकास को दिखाने के लिए और कुछ भी नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव से अन्य कई मुद्दे पर सवाल किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि स्पोर्ट्स को लेकर साल 2021 में आपने हमसे सवाल किया था कि आप बिहार के बच्चों को खेल को लेकर क्या देखती हैं। तब मैं सत्ता में थी तो इसका जवाब मजबूती से नहीं दे पाई थी, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि मैं खेल में रुचि रखती हूँ और आप भी खेल में रुचि रखते हैं, तो आपने बिहार के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स को लेकर बेहतर सुविधा क्यों नहीं दिए हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया है कि आप लोगों के पास, यानी कि बीजेपी के नेताओं के पास, हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने और गाली देने के सिवा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ हमारे ऊपर आरोप लगाना जानती हैं, इनके अलावा आपको हमारा विकास नहीं दिखता। आगे सुनिए श्रेयसी सिंह ने सदन के अंदर क्या कुछ कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में जो विकास की लहर बह रही थी वो अचानक से रुक गई है। ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है। आज राज्य सरकार से बनाए जा रहे नेशनल हाईवे सिर्फ वही रह गया है राज्य सरकार के पास दिखाने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में जो विकास की लहर बह रही थी वो अचानक से रुक गई है। ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है। आज राज्य सरकार की उपलब्धि का अगर हम आकलन करेंगे तो पता चलता है कि केंद्र सरकार से बनाए जा रहे नेशनल हाईवे सिर्फ वही रह गया है राज्य सरकार के पास दिखाने के लिए। मैं माननीय मंत्री पथ निर्माण भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिहार में उन्होंने ये कार्य करने का काम किया है। मुख्यमंत्री, सभी लोग जानते कि हमारे साथ स्कूल में भी पढ़े थे और खेल में भी रुचि रखते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि 8 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और आज 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के पास इतना भी समय नहीं मिला कि माननीय नितिन गडकरी जी से जाके मिल ले और जो राज्य और केंद्र सरकार की जो टसल चल रही है या जो बात खुल के नहीं हो पा रही है उसका समन्वय बैठाने का काम करे, जिससे में बिहार का विकास का कार्य आगे बढ़ सके। वर्ष 2021 की बात थी, माननीय उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के का भूमिका निभा रहे थे, हम सत्ता पक्ष में पीछे बैठे थे। उन्होंने उस वक्त पूछा हमसे कि बिहार में खेल की और खेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसकी क्या स्टेटस है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं। उस वक्त सत्ता पक्ष में रहने के कारण उपाध्यक्ष महोदय शायद उस बात का जवाब हम मजबूती से नहीं दे पाए थे, लेकिन आज जरूर कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, उसी दिन स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का विधेयक, स्पोर्ट्स विधेयक पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ये 740 करोड़ 90 एकड़ में पूरा विश्वविद्यालय बनने जा रहा था। उस दिन उम्मीद की एक किरण दिखी थी सभी खिलाड़ियों के लिए कि शायद बिहार के बच्चे भी बिहार में स्पोर्ट्स कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज तक
जो शिलान्यास हुआ उसके बाद एक भी ईंट नहीं जोड़ी गई है। ये काम कब पूरा होगा, ये काम कब पूरा होगा? क्या ये बिहार का सपना सिर्फ अधूरा रह जाएगा? इतना ही जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। पूरे 15 साल से हमारा करियर रहा है अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए निशानेबाजी करते हैं, भारत के लिए निशानेबाजी करते हैं, लेकिन आज तक बिहार की सरकार ने एक भी शॉटगन शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य नहीं किया। बिहार की ऐसी बेटी आज विधानसभा में खड़े होकर बोल रही है जिसको राष्ट्रपति ने 2018 में अर्जुना पुरस्कार से सम्मानित किया है। एक भी शॉटगन रेंज नहीं होने का कारण क्या है? ये माननीय खेल मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो खुद खेल में इतनी रुचि रखते हैं, इसका जवाब हमें जरूर दें। स्पोर्ट्स को लेकर के पूछ रही थी, हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे कि वो महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। इससे बढ़िया स्पोर्ट पॉलिसी क्या? जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वो बन ही रहा है, मोनीलाल स्टेडियम भी बन रहा है। हर एक चीजें जो है, अब चीजें जो है आ रही है पट्टी पर और चीजें जो है और सुधारा जा रहा है। लेकिन जो भी खेल कूद में हुआ तो बिहारी सरकार ने किया। एक चीज बता दे जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में 9 साल में केंद्र की सरकार में खेलकूद के लेकर के। तो उनको तो कुछ भी कहना है कहती रहे, असल में वो गलत जगह बैठी हुई है बेचारी। हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलता है, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है और बड़ी अच्छे से अपनी बात को भी रख रही थी। लेकिन ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां ज्ञान नहीं दिया जाता है, जहां केवल झूठ फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती हैं, उस खामे में बैठी हुई है। फिर उनकी ये मर्जी, लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या क्या किया, अपने लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। तो इसलिए महोदय जो ये नाबार्ड की जो बात कर रही थी, 1350 करोड़ का 41 स्कीम है जो कैबिनेट जो है 31 मार्च से पहले जो हो जाएगा, DPR ऑफ ईच प्रोजेक्ट 41 जो है DPR, वो टाइम होते ही नेचुरल प्रोसेस है, वो विल टेक टाइम, वो समय पर हो जाएगा। और 12 स्कीम जो है जिसमें अप्रोच रोड का इश्यू था, उसको हम लोगों ने देखते हुए लैंड एक्विजिशन को रिजॉल्व करते हुए जो है सारा कर लिया है। और जो 4 जो स्कीम है वो पेंडिंग है, वो भी 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।